हे एवरीवन, कैसे सब लोग। मेरा नाम हृदय, आप लोग देख रहे हैं ह्री व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ ISBT गुवाहाटी में एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अकेले जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं ISBT में कैसे होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ISBT गुवाहाटी है एंड यहाँ पे मुझे मेरा उबेर ने ड्रॉप कर दिया। ये मेन गेट है, वेलकम टू ISBT का बोर्ड। एंड अभी हम लोग चलेंगे अंदर। सो आप लोग देख सकते हैं ये साइड में एंड ये साइड में एक हर जगह बस है Nightsuper से। सो चलिए चलते हैं अभी अंदर, जहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह सब कुछ है। ये टिकट काउंटर्स लोग शुरू है यहाँ से। ये बेसिकली वेटिंग एरिया है, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं एंड बहुत सारे टिकट काउंटर्स भी है एंड शॉप्स भी है। सो अगर आप लोग को भूख भूख लगता है, कुछ होता है, सो आप लोग यहाँ से खाना वाना खा के निकल सकता है। तो ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा है ये एंड पता नहीं ऊपर का फ्लोर में क्या है, मुझे तो सब खाली लग रहा है। यहाँ पे मिनी ये शॉप्स वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे A to Z इस ISBT के अंदर में। एवरीथिंग, खाना से शुरू करके कपड़ा, बेल्ट, एक्सेसरीज, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एंड हर जगह से लोग यहीं पे आ रहे हैं बिकॉज यहाँ से हर एक जगह, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हर जगह यहीं से चलता है। सो हर टाइप का किस्म का लोग यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। मेरा वाला बे नंबर 48 है, सो आपको बे नंबर दे दिया जाएगा। जैसे ये है बे नंबर 40, उसके बाद है ये बे नंबर 41। सो ऐसे ही आप लोग को भी बे नंबर दिया जाएगा। मुझे भी दिया गया था बे नंबर 48 है मेरा वाला। यहाँ पे तो लाइक सुंदर सुंदर कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो आप देख सकते हैं, ये रहा। सो गाइस, ये है मेरा बे नंबर 48। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे एंड ये मेरा बस है, रियान ट्रैवल्स से बस है। सो यहाँ पे लोडिंग वगैरह कर रहा है, बाइक वगैरह सब कुछ लोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ ब्लॉग बना रहा था मैं, थैंक यू। सो मैं अपना सामान वामान डाल चुका है वहाँ पे एंड आपको ये बस दिखाता हूँ। ये रहा रियान बस। चलिए चलते हैं ऊपर में। तो अंदर से कुछ कैसा होता है, लाइक 2x1 है ये। सो अगर आप 2 लोग हैं तो ये साइड बुक कर सकते हैं, अगर एक है तो ये वाला साइड बुक कर सकते हैं। तो मेरा है सीट नंबर 10। ये है मेरा बैग, मेरा सीट, पेन वगैरह भी है यहाँ पर, सो चिंता नहीं। ये है वो लोग का कैबिन, मस्त है। तो चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं और आपको बाहर का नज़ारा ये दिखाता हूँ। सो यहाँ पे भी एक गेट है। यहाँ पर भी स्टॉल्स वगैरह है, सब कुछ है। बेसिकली बहुत ही बड़ा एरिया है। सेम एरिया लाइक दूसरे साइड में भी है। मैं तो ये साइड में आ गया, दूसरे साइड में भी है। अंदर में कोई ATM वगैरह नहीं है, जो ये एक अच्छी बात नहीं है। अभी मेरा बस तो लाइक 6:30 बजे छोड़ेगा, तो अभी बज रहा है 6 बजे और आधा घंटा मुझे वेट करना है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ बिकॉज क्या पता कब कोई ठोक सॉरी। सो तो जब गाड़ी स्टार्ट होगा, जब सब लोग आ जाएंगे, तब आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। उसके साथ अभी के वाला सेक्शन ये बैन करता है। अगर आपको कंडक्टर का अगर नंबर चाहिए कि लाइक आपको सीट बुक करके रखना है पहले से, तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं। तो हम लोग का बस हो चुका है स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झालुकबाड़ी में एंड यहाँ पे थोड़ा पैसेंजर्स लोड करेंगे, उसके बाद फिर से गाड़ी स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है नाइटसुपर, जर्नी कंटिन्यू होगा। आपको ये झालुकबाड़ी का ये व्यू दिखा रहा हूँ। स्टार्ट होने वाला है इसलिए अंडा खा लेंगे थोड़ा सा, फुल रास्ता एनर्जी के लिए। 2 अंडा ले रहे हैं एंड इसको खाएँगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ये अपना बस खड़ा है यहाँ पे एंड ये झालुकबाड़ी वाला रास्ता। अभी बज रहा है 7:37 एंड अपना गड्डी फिर से चल चुका है एंड चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। तो गाइस अभी बज रहे 10:30 एंड हम लोग डिनर के लिए उतर चुके हैं। लाइक सब कुछ मस्त चल रहा है। ये अपना पीछे नाइटसुपर एंड तो ये होटल दिखाता हूँ। तो ये राष्ट्रीय विष्णुरायन होटल एंड यहाँ पे आज हम लोग डिनर करने वाले हैं। ये अपना नाइटसुपर, तो आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे बहुत सारा नाइटसुपर है। वहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 आया है और आएगा। सो यहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे अभी ये वाला होटल पे। थोड़ा सा फैशन अप हो लेते हैं, हाथ पे मुँह धो लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। इसलिए आपको होटल के अंदर लेके चलते हैं। तो ये है होटल का अंदर एंड हम लोग राइस खाने वाले हैं। सो गाइस अपना डिनर हो चुका है कंप्लीट। अभी बज रहे 11 एंड नींद आ रहा है, सर दर्द कर रहा है। तो मैं सुनूंगा थोड़ा से गाने एंड थोड़ा सा सो जाएंगे। पहले मैं सीट का ही आपको थोड़ा सा वर्ड भी दिखाता हूँ। सो मेरे पास ये पेन होता है पर्सनल सबका घर में एंड ये प्लग पेन होता है एंड मेरा वाला में खिड़की खुला है पूरा। सो यहाँ से हो जाता है। ये सिंगल सीट है, ये साइड में कोई भी नहीं है एंड इफ़ यू वांट इसको सर के आर्मरेस्ट रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस भी है, आप सो भी सकते हैं। इंक्लाइनर है ये, सो अच्छा है। तो गाइस अभी के लिए थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं बंद, बिकॉज थोड़ा सा सोना भी इम्पोर्टेंट है। 11 बज रहा है, सो थोड़ा सा सो लेते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे अगर नींद टूटता है तो। फाइनली महेंद्राज में पहुंच चुके हैं हम लोग। मेरे पापा आ रहे हैं, बहुत सामान ज़्यादा है मेरे पास, तो वेट करते हैं उनके लिए। अभी 4:30 बज रहा है। राष्ट्रीय आ चुके हैं। माता श्री भी आए हैं। पहुँच चुके हैं घर में। तो फाइनली रूम पे पहुँच चुके हैं, अभी सोएंगे। तो गाइस ये है अगली सुबह, मतलब सेम डे है, बट अभी के बज रहे हैं लाइक कितना बज रहे हैं 11। तो अभी 11 बजे में 10 बजे उठा, तो मैं ब्रश करके खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके अभी फिर से वीडियो कर रहा हूँ। एंड नाइटसुपर का एक्सपीरियंस अच्छा था, एटलीस्ट लाइक डे सुपर से नाइटसुपर बहुत ही अच्छा है। लाइक ठंडा है, काम है, एंड अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट दैट्स ओके। लाइक इतना पता नहीं चला बिकॉज नाइटसुपर बड़ा गाड़ी है ना, तो उतना लाइक शेक वगैरह कुछ भी पता नहीं चलता है, तो वो प्लस पॉइंट है। अरे वे सब सेफ शाम पहुँच चुके हैं हम लोग। थोड़ा बीच में अजीब अजीब हुआ था, लाइक रास्ते में कहीं पे गाड़ी एक्सीडेंट होके रह रहा है, कहीं पे ब्लॉक होके रह रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। तो बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। तो इसके साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सायोनारा।